चाहे बुरखा ही क्यों ना पहन लूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना पहन लूँ, फिर भी वो मुझे देखेंगे ही। अभी बहुत लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं यहाँ पे। जो ये आपका क्वेश्चन है कि नहीं जाना चाहिए, ये नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। लड़कियों को मर्यादा रखनी चाहिए, तो क्या मर्यादा क्या होती है, क्या मर्यादा लिमिट्स क्या है हमारी? जैसे कि नए नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, आपको लगता है ये क्या जो महिलाएं हैं वो सेफ हैं, और जो सिद्धांत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिद्धांत जो है, क्या वो सही चल रहा है? एक्चुअली जो ये सिद्धांत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार का है, बट इसके इसके ऊपर काम करने का जो तरीका है, मतलब यहाँ जो मेरे आसपास आप लोग देख रहे हो सारे, यहाँ जो आसपास सारे लोग हैं, इनका भी काम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है। कि जब कुछ भी जब कुछ भी होता है तो सब लोग बोलते हैं कि सरकार ये सरकार वो सरकार ऐसी, बट अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ अभी देर रात करके मैं शूट से घर जाती हूँ तो डर लगता है, बट डर क्यों लगता है, आसपास के लोगों से डर लगता है ना, तो उनका भी काम है, सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है कुछ करना। और हाँ, सेफ नहीं है हम लोग, ये बात सही है, क्योंकि अभी जो केस आया था आपने भी देखा था कि बीच सड़क पे मार दिया वो 15-16 साल की लड़की को, तो वो कितना गलत था। बट अगर आसपास के लोग उसे बचाते या आसपास के लोग उसे कुछ करते, या अगर कोई लड़की किसी को छेड़ा जा रहा है, छेड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि लोग उसे गंदी नज़र से देख रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ कह रही हूँ, इसमें से कितने लोग होंगे जो अच्छा सोच रहे होंगे और कितने लोग होंगे जो बुरा सोच रहे होंगे। तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पूरे देश की, भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी लड़के हैं या महिलाएं हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के लिए सेफ प्लेस बनाए, सेफ जगह बनाए, कि अगर वो रात को 10 बजे 12 बजे भी निकलती हैं तो उनके लिए वो सेफ प्लेस हो। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र मुंबई में देखोगे, तो वहाँ भी मैं शूट करने गई हूँ कई बार, तो रात को 10-10, 12 बजे भी अगर निकली हूँ तो सेफ लगता है, बट अगर दिल्ली में देखोगे तो उतना नहीं है। बट हाँ, सेफ तो कुछ भी नहीं है, हम घर में भी सेफ नहीं है, हम बाहर भी सेफ नहीं है, सेफ तो कुछ भी नहीं है, कहने को तो सेफ कुछ भी नहीं है। बट मैं ये बस लास्टली यही कहना चाहूँगी कि जो सेफ्टी का काम है सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है, सभी का है। और इसी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि जो जो महिलाएं या फिर लड़कियां हैं, इनकी भी कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए जो कि उन्हें नहीं लागनी चाहिए? जैसे कभी रात का वक्त है, रात को वक्त में ऐसी जगह सुनसान जगह पर नहीं जाना, क्योंकि वहां पे आम आदमी सेफ नहीं होता, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली जो ये आपका क्वेश्चन है कि नहीं जाना चाहिए, ये नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। हाँ, डर के मारे मैं भी नहीं जाती कि हाँ भाई यहाँ अंधेरा होगा, यहाँ कैसे जाऊँ, दूसरी गली से जाती हूँ, या यहाँ आवारा लड़के खड़े होंगे, यहाँ से नहीं कहीं और जाती हूँ, मुझे देखेंगे गंदी नज़र से, चाहे बुरखा ही क्यों ना पहन लूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना पहन लूँ, फिर भी वो मुझे देखेंगे ही। अभी बहुत लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं यहाँ पे, तो भाई कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग बुरे होते हैं, हमें नहीं पता कौन अच्छा कौन बुरा। अगर आप ये कह रहे हो कि मतलब लड़कियों को मर्यादा रखनी चाहिए, तो क्या मर्यादा क्या होती है, क्या मर्यादा लिमिट्स क्या है हमारी? जैसे जो पुराने विचार के लोग हैं, उनको कहना होता है कि नहीं, रात को बेटी को बाहर नहीं जाना चाहिए, चलो काम है काम से तो जाएगी। नहीं, वो तो हमारे पेरेंट्स हैं, वो तो हमारा अच्छा ही सोचेंगे ना। अब मेरे माँ बाप हैं, अब जब तक घर नहीं पहुंचूंगी तो वो सोचेंगे ना कहाँ रह गई, कहाँ नहीं आई, क्यों नहीं आई, उन्हीं को लेके मेरा। तो वो एक मर्यादा नहीं होती है, वो हमें लिमिट नहीं करते हैं, वो हमारी टेंशन लेते हैं। अब उनको पता है कि मैं काम से बाहर हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहते, बट अगर उनको ये देख रहे हैं कि मैं घूमने के लिए बेफालतू के बाहर हूँ, तो उनको डर होता है कि पता नहीं किसके साथ घूम रही होगी, कौन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो हमें लिमिट नहीं करते हैं, वो हमें सिर्फ एक हमें सेफ करने के लिए करते हैं बस, कि हमारा बच्चा सेफ रहे, हमारा जो बेटा बेटी है कोई भी वो सेफ रहे। वो लड़कियों को ही नहीं बोलते ये लिमिट्स, लड़कों पे भी लगाते हैं, मेरे भाइयों पे भी लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लड़कियों पे नहीं लगाते, सब पे लगाते। तो ना ही मर्यादा लेडीज़ की लिमिट्स कौन सेट करेगा, हम खुद भी सेट नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने कुछ सेट मतलब क्या होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई लिमिट होनी चाहिए। थैंक यू मैम। एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल कि आप देश की जनता को महिला सेफ्टी को लेके क्या कहना चाहिए, देश की सभी जनता के लिए क्या अपने वर्ड? मेरा तो सिर्फ एक ही है कि जब भी कुछ भी होता है तो सब सरकार पे बात आती है। देखो, अगर हमें अपने इंडिया को सेफ बनाना है तो सेफ्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आपको मिलके बनाना है, सरकार के साथ हमें चल के मिलके बनाना, क्योंकि गुनाह कौन करता है, पब्लिक करती है ना, पर्यावरण को गंदा कौन बनाता है, पब्लिक करती है ना। अगर वो रुक जाए तो, अगर हम कुछ ऐसे कानून बना दे, या अगर उनके दिमाग को एजुकेशन दे, कुछ ऐसा एजुकेशनल मतलब लर्निंग का कुछ बना दे उनके लिए, कि भाई उनके जो दिमाग की जो चीज़ें हैं, ये गंदगी है जो दिमाग में, कि अगर लड़की जा रही है तो उसे घूरना नहीं है,
ये उनको एजुकेशन देगी, घूमना नहीं है तुझे, घूरना नहीं है भाई तुझे, नहीं घूरना लड़की को, तुझे उसे गंदी नजर से नहीं देखना। अगर ये कुछ एजुकेशन हमें गवर्नमेंट दे या खुद से लोग जैसे आप या मैं, एक अच्छी नज़र से देखे बस, मैं यही कहना चाहूँगी, बस अच्छी नज़र से देखो आसपास के लोगों को, उनकी हेल्प करो और तभी महिला सेफ हो सकती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जुड़े से बात करने के लिए, धन्यवाद, बहुत बढ़िया।